रेडी मैगजीन खोले, बाईं तरफ रख दिए। राइफल को कॉक करने से पहले एस पे करेंगे, एस से आर पे करेंगे, राइफल को एक सेट के में कॉक करेंगे, ठीक है। बाईं थाई पे रखेंगे, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ का जो कलमे वाली उंगली है उसको रखेंगे रिटर्नर कैच के पास। राइट हैंड के अंगूठे से रिटर्नर को दबाएंगे और बाएं हाथ का ये कलमे वाली उंगली को छोड़ देंगे। उसके बाद बाएं हाथ से बॉडी कवर को उठाएंगे, दाहिने हाथ से रिकॉइल स्प्रिंग को आगे पुश करते हुए बाहर निकालेंगे, दाहिने तरफ रख देंगे। नाम पिस्टन एक्सटेंशन, पिस्टन एक्सटेंशन को निकालेंगे, बाएं हाथ पे रखेंगे। बाएं हाथ से रखने के बाद रोटेटिंग बोल्ट को घुमाते हुए रखेंगे, मिलाते हुए आगे हेड को मिलाते हुए। उसके बाद पिस्टन रॉड को रख देंगे, ठीक है। राइफल के इसको बंद करेंगे और राइफल को यहाँ पे इस तरह से मिलाते हुए रख देंगे। मैगजीन को उठा करके एक सीरियल वाइज यहाँ पे मिला हुआ है, क्लियर है। उसके बाद लगाने का तरीका, राइफल को उठाएंगे, बॉडी कवर को ऊपर उठा लेंगे। बॉडी कवर को उठाने के बाद राइफल को इस तरह से काबू रखते हुए बाएं हाथ से पिस्टन रॉड को उठाएंगे। पिस्टन रॉड को उठाने के बाद दाहिने हाथ से रिकॉइल स्प्रिंग को निकालेंगे, उठाएंगे। उठाने के बाद इसको रिकॉइल स्प्रिंग में रोटेटिंग बोल्ट को उठाएंगे, रोटेटिंग बोल्ट को मिलाते हुए इसको पकड़ेंगे अंगूठे से। इसका नाम है स्टेम, स्टेम पे अंगूठे को इस तरह से पुश करना है ताकि ये हिले नहीं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डाउन करेंगे राइफल को और इस जगह पे जो कटाव है यहाँ पे स्टेम को बैठाने का कोशिश करेंगे। शुरू से अगर तुम बैठाओगे तो गलती करोगे, यहाँ पे कभी नहीं बैठने वाला है। इस जगह पे बिल्कुल यहाँ पे बैठाएंगे इसको और आगे की तरफ पुश करेंगे। पुश करने के बाद रिकॉइल स्प्रिंग उठाएंगे, रिकॉइल स्प्रिंग को रिकॉइल स्प्रिंग वे में रखेंगे और इसको यकीन करेंगे बैठा हुआ है। बैठाए, वही सेम काम, बाएं हाथ के कलमे वाली उंगली से रिटर्नर कैच को पुश करेंगे, रिटर्नर बाहर निकल गया। राइफल को दाहिने हाथ से उठाएंगे, दो बार कॉक करेंगे, सेफ्टी डायरेक्शन ट्रिगर प्रेस एस पे करेंगे, मैगजीन उठाएंगे, मैगजीन लगाएंगे, रख देंगे, बंद कर।